दोस्तों क्या कहता है विज्ञान, पृथ्वी के बाहर क्यों नहीं खोजा जा सकता है जीवन। दोस्तों वीडियो फुल वॉच कीजिएगा, हो सके तो प्लीज लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों क्या सच में पृथ्वी के अलावा कहीं और कोई ग्रह में जीवन संभव नहीं है, क्या ये सच है? आइए जानते हैं फुल डिटेल में। दोस्तों ऐसा नहीं माना जा सकता, हमारे वैज्ञानिकों खगोलविद भी पृथ्वी के बाहर जीवन की संभावना वाले ग्रहों की तलाश कर रहे हैं। सुदूर ग्रह यानी कि प्लैनेट्स की खोज ही अपने आप में बहुत ही मुश्किल काम है। ऐसे में उन ग्रहों की जीवन की अनुकूलता यानी कि हैबिटेबिलिटी तलाश कर उनमें जीवन के संकेतों की पड़ताल करने में। दोस्तों कहा जाता है अभी तक हम इंसान ब्रह्मांड यानी कि यूनिवर्स का बहुत ही कम हिस्सा जान सके हैं, लेकिन फिर भी यह हिस्सा कम बड़ा नहीं है। और इसमें भी यह जानकर चलना ही कि पृथ्वी के अलावा कहीं और जीवन हो ही नहीं सकता। दोस्तों इसलिए हमारे खोलविंद और वैज्ञानिक पृथ्वी के बाहर जीवन की तलाश कर रहे हैं, लेकिन तमाम कोशिश के बाद भी उन्हें सफलता नहीं मिली है। बेशक किसी दूसरे ग्रह या पिंड में जीवन के अनुकूल हालात होना मुश्किल काम है, और उसके बाद ब्रह्मांड में इस तरह के पिंड या ग्रहों को खोजना भी आसान काम नहीं है। जानते हैं कि इस मामले में क्या कहता है विज्ञान। दोस्तों एक मुश्किल काम है हमारे सौरमंडल में किसी और ग्रह पर पृथ्वी की तरह ही के जीवन का होना संभव नहीं है, इसलिए खगोलविद सौरमंडल से दूर पृथ्वी जैसे ग्रह की तलाश में लगे हुए हैं जहां जीवन के अनुकूल स्थितियां होना संभव है। लेकिन हमारे सूर्य से दूर किसी तारे के ग्रही तंत्र की खोज करना आसान काम नहीं है, क्योंकि सुदूर ग्रहों का अध्ययन करना बहुत ही मुश्किल काम है। अब ये जानते हैं कितना विशाल है ब्रह्मांड। पृथ्वी हमारे सौरमंडल में एक बहुत कम स्थान घेरने वाला पिंड है। कुछ सौरमंडल हमारी अति विशाल गैलेक्सी में अकेली नहीं है, और तो और मिल्की वे ही लाखों करोड़ों गैलेक्सी में से एक है। और हमारे पास यह जानने का तरीका भी नहीं है कि वास्तव में ब्रह्मांड कितना बड़ा है, इसलिए इस बात की पूरी संभावना है कि पृथ्वी के अलावा कहीं और भी जीवन हो सकता है। तो क्या आप जानते हैं कई ग्रह तंत्र की जानकारी भी मिली है, तो क्या हमारे पास सुदूर जीवन की तलाश के लिए तकनीकी नहीं है? तो ऐसा भी नहीं है, हमें ब्रह्मांड में अपनी उपलब्ध तकनीकियों के जरिए मिली जानकारी के काफी कुछ पता भी चल रहा है, और हमें कई ग्रह तंत्रों के बारे में पता भी चलता है जिनके ग्रहों के बारे में हम विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। दोस्तों पानी के होने की शर्तें, लेकिन सच यह है कि हर जगह में जीवन के हालात नहीं पनप सकते हैं। ऐसे अवसर ग्रहों को भी हमारे वैज्ञानिकों ने परिभाषित भी किया है। किसी ग्रह पर जीवन होने के लिए सबसे जरूरत घटक तरल पानी की उपस्थिति का होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि यही जीवन के सभी परिणाम का आधार है। इसका मतलब यह हुआ है कि उस ग्रह पर तापमान ना ज्यादा होना चाहिए जिससे पानी भाप बन जाए, और ना ही इतना कम होना चाहिए तरल अपनी बर्फ में बदल जाए। दोस्तों आप जानते हैं क्या कहता है विज्ञान, कैसे हुआ था पृथ्वी का निर्माण? सौरमंडल के बाहर तलाश, इसके लिए पृथ्वी के सूर्य से दूरी बहुत ही अच्छी है, और ऐसे ग्रहों को इस तरह की दूरी पर स्थित है जहां तरल पानी का होना मुमकिन है, उसे आवासनी या खगोल प्लैंक जोन वाले ग्रह कहते हैं। खुद हमारे सौरमंडल में मंगल पर कुछ ग्रह शनि और गुरु के चंद्रमाओं की बर्फीली तरह के नीचे तरल पानी की उपस्थिति पाई गई है, लेकिन अभी तक जीवन के संकेत तक नहीं मिल सके हैं। ऐसे में सौरमंडल से बाहर के ग्रह यानी ब्रह्म ग्रहों में जीवन की तलाश की जा रही है। दोस्तों और संकेत भी जरूरी, किसी सुदूर तारे के आवासीय या गोलैंक क्षेत्र में पाए जाने ग्रहों की पड़ताल अभी हमारे वैज्ञानिकों की प्राथमिकता है, लेकिन अभी हम इनके अध्ययन के लिए जरूरी तक लेकिन आवासीय ग्रह की तलाश ही काफी नहीं है। हमें ऐसे ग्रहों पर जीवन के संकेत भी खोजने हैं जो जीवन के समर्थन के लिए जरूरी हैं, जैसे वायुमंडल की उपस्थिति और उसमें मौजूद गैसों की जानकारी। अगर हमें कोई ऐसा ग्रह मिलता है जहां बहुत सारी ऑक्सीजन हो, हम इस नतीजे पर
पहुंच सकते हैं कि वहां जीवन हो सकता है। तो आइए जानते हैं क्या कहता है विज्ञान, आखिर कब रुकेगी रुकेगा पृथ्वी का घूमना, क्या होगा तब। फिलहाल पृथ्वी के सुदूर स्थिति आवश्य ग्रहों में जीवन के संकेतों की पहचान करने हमारे वैज्ञानिकों के लिए संभव नहीं है। अभी तक हम अत्यक्ष रूप से ग्रहों के बारे में बहुत कम जान सके हैं। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप इस मामले में हमें और जानकारी देने में सक्षम है, लेकिन अभी हम यह दावा करने की स्थिति में नहीं है कि हमें पृथ्वी से बाहर जीवन तलाश सकते हैं।